चेंज योर पासवर्ड, क्या ये देखकर आप मेरी तरह ही नर्वस हो जाते हैं? पासवर्ड इससे बहुत टेंशन आ जाती है क्योंकि हर महीने दो महीने पासवर्ड चेंज करना पड़ता है, वही पासवर्ड हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि पासवर्ड चेंज करने से तो बच्चों का नामकरण करना ही आसान है कि नहीं? क्योंकि आजकल लोगों को एक या दो बच्चे होते हैं, नाम रखना है तो कोई अभी चल रहा हुआ ट्रेंड पकड़कर कियारा, सियारा या इयान, कियान नाम रख दिया, उम्र भर के लिए काम खत्म। और पासवर्ड की तरह ये नाम चोरी होने का कोई खतरा ही नहीं। आज हम बात कर रहे हैं पासवर्ड की। वैसे देखा जाए तो मैं मेरे चैनल पर बात करती हूँ विज्ञापनों के बारे में, जो मजेदार और दिलचस्प विज्ञापन समीक्षाएं रहती है, मगर मैं समय समय पर ऐसे विषयों पर भी वीडियोस लाती हूँ जिसका आपको लाभ हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि ई कॉमर्स पर खरीदारी करते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और हाल ही में मैंने एक संक्षिप्त में वीडियो बनाया था कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ऐसे 10 पासवर्ड जो आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसमें से कई सारे पासवर्ड ऐसे हैं जो शातिर हैकर 1 सेकंड के अंदर ही तोड़ सकते हैं। क्या आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड जो चौथे क्रमांक पर है वो है बिग बास्केट, और हैकर्स उसे तोड़ने में लेते हैं सिर्फ 5 मिनट। ये वीडियोस की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए जरूर दे रही हूँ, और इस वीडियो में भी आपको वो मिलेगी। तो आज का विषय है पासवर्ड कैसे बनाएं। पासवर्ड कैसे बनाएं यही नहीं, मगर पासवर्ड अधिक सुरक्षित कैसे बनाएं। और मैं आपको ऐसी 5 तरकीबें बताने वाली हूँ जिससे पासवर्ड बनाना होगा बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, पासवर्ड याद रखने में भी बहुत होगी आसानी, और पासवर्ड होगा बहुत सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूँ एड एक्सपर्ट श्वेता पुरंदरे, और मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे चैनल के वीडियोस आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं पासवर्ड सुरक्षित कैसे बनाएं। तो पासवर्ड महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आप जानते हैं कि इस साल सिस्को के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 97 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। जरा सोचिए, 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि ईमेल का इस्तेमाल करो, ऐप डाउनलोड करो, गेमिंग करो, सोशल मीडिया के अकाउंट्स एक्सेस करो, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और हर किसी ऐप के एक्सेस के लिए हमको लगता है एक पासवर्ड। और ये पासवर्ड रखने की भी बहुत सारी कंडीशंस रहती है, जैसे पासवर्ड 6 से 8 अक्षरों से ज्यादा होना चाहिए, उसमें एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए, उसमें एक अंक भी होना चाहिए, या उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो अगर आप पासवर्ड रखते समय ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, खबरदारी नहीं बरत रहे हैं, ऐसे वाले पासवर्ड हैकर्स को हैक करना बहुत आसान होता है, और इससे होता है आपके ईमेल अकाउंट्स को खतरा, आपके ऐप्स को खतरा, आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो आपके बैंक बैलेंस को भी खतरा हो सकता है। इसलिए ना कि पासवर्ड चुनना, बल्कि एक सुरक्षित पासवर्ड चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हम करने वाले हैं मजेदार। तो सबसे पहली तरकीब ये है कि आप पासवर्ड चुनते समय सोचिए कोई आपका फेवरेट गाना। जी हाँ, आपका पासवर्ड हो सकता है आपका कोई फेवरेट सॉन्ग। यदि आप देवानंद के फैन हैं तो आपका पासवर्ड आप रख सकते हैं खोया खोया चांद, या आपको अगर राजेश खन्ना पसंद है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, और यदि आप दिलीप कुमार के फैन हैं प्यार किया तो डरना क्या, ये वाला पासवर्ड भी रख सकते हैं। दूसरी तरकीब है किसी पोएम या कविता को पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल करना, जैसे मछली जल की रानी है, ये आपका पासवर्ड हो सकता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्यों, कैसी लगी ये दूसरी तरकीब आपको? तीसरी तरकीब है कोई फेमस डायलॉग जो आपको बहुत पसंद हो।
हाँ, यदि आप राजकुमार के फैन हैं, ये पाँव बहुत नाजुक है, इसे जमीन पर मत उतारिएगा। इस डायलॉग की लाइंस आप यूज कर सकते हैं। राजेश खन्ना के फैन हैं, तो आप पुष्पा आई हेट टीयर्स ये डायलॉग यूज कर सकते हैं। अगर आप शोले के फैन हैं, तो आप गब्बर सिंह या बसंती का डायलॉग इसमें रख सकते हैं। और हाँ, अमिताभ बच्चन के डायलॉग तो लोगों को जुबानी याद होते हैं, तो डायलॉग की लाइन लिखना ये है तीसरी तरकीब। चौथी तरकीब है कोई फेमस कोट या मुहावरा यूज करना, जैसे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पांचवी तरकीब है कोई एब्रीविएशन यूज करना या शॉर्ट फॉर्म यूज करना। तो इसके लिए आप पहली चार तरकीबों से जो लाइंस आपने चूज की है उसके पहले अक्षर आप यूज कर सकते हैं जो आपका एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, या कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन के नाम का एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल लेटर का प्रयोग, या कर सकते हैं इसमें स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग, जिसमें आप ए के जगह @ चिन्ह का यूज कर सकते हैं, एस के जगह आप डॉलर साइन यूज कर सकते हैं, या एन के जगह एंड साइन यूज कर सकते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करके आप पासवर्ड को और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, और साथ में ही आप कुछ अंक भी जोड़ सकते हैं। आपको लगता होगा ये तो कितनी आसान चीजें थी, मगर क्या ये आपको पता थी, क्या आपने इसे इस्तेमाल किया था? नहीं ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पासवर्ड को सुरक्षित रखना कितना आसान लग रहा है कि नहीं? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। धन्यवाद।